हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लेवर रास्ते। यार कैसे आप लोग, मेरा नाम है राज। मैं एक और वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला दोस्तों अपने सिस्टर के चैनल पर एक प्रॉब्लम आई है जो कि आपको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आगे आ सकती है इन फ्यूचर, तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा काम होता है दोस्तों, जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने चैनल को चेक करता हूँ, अपने और सिस्टर के चैनल को भी चेक करता हूँ, और प्लस दोनों मेल को चेक करता हूँ, अपने और सिस्टर के मेल को भी। लेकिन जब मैं सिस्टर के चैनल को जब चेक करने के लिए गया तो YouTube की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और ये सबके साथ होता है, जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कभी कोई मेल आ गया YouTube की तरफ से, तो या तो वो मेल आता है कि आपका चैनल पर स्ट्राइक आई हो तभी मेल आता है, या तो फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसका चैनल आपके चैनल पर जो है उसका जो है मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया हो यूट्यूब ने। तो ये देखकर मैं नोटिफिकेशन जो आया था ना उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। लेकिन जब मैं पढ़ा तो मैंने सोचा आपके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको तभी ये समझ में आएगा। तो मैं लेके चलता हूँ आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ अपने भाई को भी सपोर्ट करो, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड चलता हूँ मैं सीधा आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपने सिस्टर के चैनल को मैंने ओपन किया तो कुछ इस तरीके से YouTube की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अब इसको मैं पढ़कर समझाता हूँ आपको। डिड यू नो इवन यूजिंग ए फ्यू सेकेंड्स ऑफ अनलाइसेंस्ड कॉन्टेंट में प्रिवेंट यू मोनेटाइजिंग योर वीडियोज़। तो यहाँ पर इसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा जो मोनेटाइजेशन है, मेरे सिस्टर के जो चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ तो नहीं कर दिया यूट्यूब ने। तो मैंने इसको देखा तो सारे वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ मैं इसको देखकर खुश हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया, इसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप किसी अपनी वीडियो में किसी का कॉन्टेंट या किसी का वीडियो का कुछ हिस्सा अपनी वीडियो में दिखाते हो या लेते हो, या आप कोई कोई सॉन्ग का यूज़ करते हो, तो वो जिसका भी आपने सॉन्ग या जिसका भी आपने वीडियो यूज़ किया है, अगर वो चाहेगा तो आपके वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर सकता है दोस्तों। ये YouTube की तरफ से कहना है, जो ये नोटिफिकेशन आया उसका मतलब यही होता है। आपको ये डरना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा है कि मतलब इन फ्यूचर आपका जो है कि कोई भी अगर आप अपनी वीडियो में किसी का कुछ वीडियो का पार्ट अगर आप यूज़ करते हो या कोई सॉन्ग यूज़ करते हो तो आपके आगे वीडियो में आपका जो वीडियो का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ हो सकता है, क्योंकि वो ऑफ कर सकता है। सिर्फ ये बोला, क्वेश्चन मार्क लास्ट में है कि वो कर सकता है मोनेटाइजेशन ऑफ। लेकिन आप ये मत सोचो आपके चैनल पर जितनी भी वीडियो है उनका मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं करेगा, उसी का मोनेटाइजेशन ऑफ होगा जिस वीडियो में आपने किसी का वीडियो या किसी का सॉन्ग आपने यूज़ किया था, उसी का मोनेटाइजेशन ऑफ होगा दोस्तों। तो ये आप गलतफहमी निकाल देना। उसके बाद जैसे ही मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो क्या क्या यूट्यूब की तरफ से दिखाया है। यहाँ पर लिखा है कॉन्टेंट आई डी डिस्प्यूट प्रोसेस। अगर यहाँ पे लिखा कॉन्टेंट आई डी क्लेम, अगर आपने किसी सॉन्ग का यूज़ किया है, आपने उसको क्रेडिट दिया है, तब तो बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पर आपका जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्रेडिट नहीं दिया है, ठीक है, तो आपका जो है मोनेटाइजेशन ऑफ हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर फेयर यूज़, सबसे पहले यहाँ लिखा है ना फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट फेयर यूज़, मतलब फेयर यूज़ होता क्या है दोस्तों। YouTube की तरफ से ये बोला गया फेयर यूज़ का मतलब क्या होता है, आप ले सकते हो किसी का वीडियो, किसी का म्यूज़िक आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो सबके अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे मैं हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को यूज़ करते हो तो मैं आपको कॉपीराइट क्लेम भी दे सकता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये सबका अलग अलग रूल है, पाकिस्तान का, इंडिया का या यूनाइटेड स्टेट का, सबका अलग अलग यहाँ पर इनकी पॉलिसी होती है। आप यहाँ फेयर यूज़ में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जिसका भी आप मतलब वीडियो यूज़ करोगे या कॉपीराइट या आप किसी का सॉन्ग यूज़ करोगे तो उसके ऊपर है वो कॉपीराइट क्लेम आपको देगा या नहीं देगा, या आपका जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ़ करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी मूवी के सीन पे करते हो या फिर कोई भी ऐसा किसी की वीडियो बनाते हो तो उसके वीडियो में पैसा लगा होता है। अगर आप वैसे ही यूज़ कर लोगे तो फिर फ़ायदा क्या है दोस्तों।
ठीक है, यहाँ पे आपका चैनल पर कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है, या फिर आपका चैनल आपके चैनल पर जो मोनेटाइजेशन ऑफ कर सकता है उस वीडियो का। ये आपको कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताना, ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये समझ में आ जाए। तो आप समझ चुके होंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों।